कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर यश आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। फैंस के बीच जितनी पॉपुलर उनकी फिल्में हैं, उतनी ही यादगार और प्रीशियस उनकी और राधिका की प्रेम कहानी भी है। लोगों के बीच यश और राधिका पंडित एक बेस्ट कपल के तौर पर जाने जाते हैं। यही नहीं, दोनों की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। जब आप इस लव स्टोरी के बारे में सुनेंगे तो आपको भी गूज बम्स आ जाएंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि यश और राधिका पंडित की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम है। वैसे इस बात की जानकारी बेहद कम लोगों को है कि यश का असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल नंदा गोकुल से की थी। और इसी सीरियल के सेट पर यश और राधिका की पहली मुलाकात हुई। राधिका ने बताया था कि शुरुआत में वो और यश बहुत कम बात करते थे, लेकिन शूट के लिए उन्हें एक ही कैब में जाना होता था, जिसके चलते दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। राधिका ये मानने लगी थी कि यश उनके लिए ही बने हैं, क्योंकि वो जैसी थी यश के सामने वैसी रह पाती थी। टीवी सीरियल नंदा गोकुल के सेट पर साथ काम करते करते यश और राधिका काफी अच्छे दोस्त बन गए। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट करने के बाद अपने रिश्ते को एक नए मुकाम पर ले जाने का मन बनाया। और इसी के बाद दोनों की फिल्मों में हुई एंट्री। दोनों की पहली फिल्म मोगीना मनासु में राधिका के ऑपोजिट किसी और हीरो को फाइनल किया गया था, जिन्हें बाद में यश ने रिप्लेस किया। इसके बाद साल 2012 में फिल्म ड्रामा में यश को लीड एक्टर के तौर पर साइन किया गया, जिसमें उनके साथ कोई दूसरी एक्ट्रेस थी, लेकिन इसमें राधिका ने उन्हें रिप्लेस कर दिया और एक बार फिर यश राधिका की जोड़ी बनी। और यहीं से यश का करियर ग्राफ और बढ़ने लगा। यश को उनकी फिल्मों की वजह से खूब पहचान मिली, वो इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन गए। लेकिन उन्होंने अपने पुराने प्यार का हाथ और साथ दोनों ही नहीं छोड़ा, और ऐसे में यश टीवी स्टार से इंडस्ट्री के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे। आपको बता दें कि यश का राधिका को प्रपोज करने का तरीका भी काफी अलग और रोमांटिक था। यश राधिका को ये कहते थे कि उनकी जिंदगी में कोई है जिसे वो बहुत प्यार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ राधिका उन्हें बताती थी कि वो किस तरह उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। इसके बाद वैलेंटाइंस डे के मौके पर यश ने राधिका को प्रपोज करने का फैसला किया। पहले यश ने राधिका का वैलेंटाइन डे प्लान पूछने के लिए कॉल किया, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ फिल्म देखने जा रही थी। यश राधिका से अपने प्यार का इजहार करना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। वो नहीं जानते थे कि राधिका भी उन्हें पसंद करती है या फिर नहीं, और नहीं चाहते थे कि दोनों की दोस्ती खराब हो। इसके चलते यश उनकी यानी राधिका की पसंद की चीजों का गिफ्ट लेकर उसी मॉल में पहुंचे जहां राधिका अपने पेरेंट्स संग फिल्म देखने गई थी। यश ने ये गिफ्ट राधिका को देने की जगह उनकी कार में हैप्पी वैलेंटाइन डे के मैसेज के साथ रख दिया, जिससे राधिका समझ गई थी कि ये किसने रखा है। हालांकि दोनों ने ही एक दूसरे से इसके बारे में बात नहीं की। बाद में यश ने फोन पर राधिका से अपने प्यार का इजहार किया, जिसके 6 महीने बाद राधिका ने उन्हें हाँ कहा। फिर साल 2016 में दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। माना जाता है कि यश और राधिका ने अपने वेडिंग रिसेप्शन में कर्नाटक की पूरी जनता को न्योता भेजा था। वैसे अब यश और राधिका दो प्यारे बच्चों के पेरेंट्स भी हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।